पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। प्याज, टमाटर, लौकी और तुरई के साथ ही नींबू के रेट में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक तरफ लोग भीषण गर्मी से हैरान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो आलू प्याज 10 से 20 रुपए किलो तक मिला करता था, वो अब 40 से 50 रुपए के पार चला गया है। सेब, आम, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूजा, मौसमी, नारियल पानी जैसे फलों के दाम भी 25 से 30 फीसदी तक बढ़ गए। लेकिन सबसे ज्यादा महंगी सब्जियां होंगी। दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का थोक भाव 100 रुपए किलो पहुंच गया है। 25 से 30 रुपए किलो पर मिलने वाली तुरई 50 से 60 रुपए किलो हो गई है, जबकि लौकी भी 20 से 25 रुपए किलो के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा होकर 50 रुपए किलो की हो गई। एक हफ्ते में टमाटर की कीमत 25 से 30 रुपए किलो के मुकाबले बढ़कर 40 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गई। नींबू के दाम भी 80 से 100 रुपए किलो से बढ़कर अब 160 रुपए किलो तक पहुंच गए। इस परेशानी से देश की आम जनता त्रस्त है। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्यों कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, क्यों उनकी थाली से साग सब्जी और फल गायब होते जा रहे हैं और साल दर साल ये यथास्थिति क्यों बरकरार रहती है। यानी हर साल भीषण गर्मी के आने से लेकर मानसून के आगमन तक सब्जियों और फलों के दाम आसमान में क्यों रखते हैं, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले किन किन चीजों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। आलू की बात की जाए तो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आलू के दाम जो है 8 फीसदी से ज्यादा बढ़कर 31 मई के 29.82 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 24 जून तक 40 रुपए प्रति किलो हो चुके। दिल्ली में प्याज की कीमतें 67 फीसदी तक बढ़ी, जबकि दूसरे राज्यों में ये करीब 18 फीसदी महंगी हुई। 31 मई तक प्याज के दाम 30 रुपए प्रति किलो थे, जो 24 जून तक 50 रुपए प्रति किलो हो गए। दाल पर भी महंगाई की मार पड़ी। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में दाल की कीमतों में 11 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई। 31 मई को जहां चना दाल का दाम 87 रुपए प्रति किलो था, वो अब 10 फीसदी बढ़कर 97 रुपए हो गया। अरहर दाल भी 31 मई से 19 जून तक 173 रुपए प्रति किलो से 4 रुपए बढ़कर 177 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया है। मूंग दाल की कीमत 31 मई की 123 रुपए से 3.25 फीसदी यानी 4 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़कर 127 रुपए हो गई। उड़द दाल 31 मई के 142 रुपए प्रति किलो से 3.52 फीसदी यानी 5 रुपए बढ़कर 147 रुपए प्रति किलो हो गई। मसूर की दाल 31 मई को जहां 93.9 यानी 94 रुपए के आसपास प्रति किलो थी, वो अब बढ़कर 94.12 रुपए प्रति किलो हो गई है। अब कैसे आपके बजट पर इसका असर पड़ रहा है, ये बात समझिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 के बाद से खाद्य महंगाई जो दर है वो 8 फीसदी से ऊपर बनी। एक साल में ही ये लगभग 3 गुना बढ़ी। मई 2023 में 2.91 फीसदी थी, जो मई 2024 में बढ़कर 8.69 फीसदी हो गई। वहीं मई 2024 में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 8.69 फीसदी था, जिससे ये साफ होता है कि एक साल पहले जो सामान खरीदते थे, अब वही खरीदने के लिए 8.69 फीसदी ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ रहा है। अगर एक साल पहले खाने का कोई सामान खरीदने के लिए आप 100 रुपए खर्च करते थे, तो अब उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 108.6 रुपए देने पड़ रहे हैं। अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि क्यों देने पड़ रहे हैं अधिक पैसे, क्यों महंगा होता जा रहा है खाना, क्या कारण है इस परेशानी का। असल में इस परेशानी के कई कारण है। पहला कारण है पिछले 2 महीनों से पड़ रही भयंकर गर्मी। दूसरा कारण है मानसून में देरी। तीसरा कारण है सब्जियों के उत्पादन यानी प्रोडक्टिविटी में कमी। और चौथा कारण है सब्जियों की मांग में यानी डिमांड में इजाफा। और पांचवा कारण है स्टोरेज की लागत। एक एक करके कारणों को समझिए। भीषण गर्मी की वजह से सब्जियों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है और गर्म हवाओं की वजह से सब्जियां जल जाती, जिसका सीधा असर सब्जियों की प्रोडक्टिविटी यानी पैदावार में दिखाई देता है। साथ ही सब्जियों को कीट पतंगों की वजहों से भी नुकसान होता है, ऐसे में सब्जियों का उत्पादन कम हो जाता है। वहीं एक इलाके से दूसरे इलाके तक सब्जियों को पहुंचाने के लिए परिवहन यानी जिसको आप ट्रांसपोर्ट समझते हैं, उसका इस्तेमाल होता है और इस भीषण गर्मी में परिवहन में भी सब्जियां खराब हो जाती है। अब आते हैं मांग पर। कम उत्पादन और बढ़ती हुई मांग की वजह से सब्जियों के दाम में इजाफा होता है। गर्मी के मौसम में अक्सर खीरे, ककड़ी जैसी सब्जियों की मांग ज्यादा हो जाती है,
लेकिन पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पाती, इस वजह से इनकी कीमतों में तेजी आती है। स्टोरेज की बात की जाए तो जिस गर्मी से इंसान परेशान है, सोचिए सब्जियों को कितना नुकसान होता होगा। हमें एसी की हवा तक कम लगने लगती है और बार बार उसकी सर्विसिंग करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार गर्मी में सब्जियों को तरोताजा रखने के लिए ठंडे स्टोरेज की मदद ली जाती है, जिसमें बिजली ज्यादा खर्च होती है। ऐसे में सब्जियों की लागत में इजाफा होना लाजमी, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं यानी हमारे और आपके कंज्यूमर्स की जेब पर दिखाई देता है। अमूमन गर्मी के मौसम में सब्जियों के दाम में इजाफा देखा जाता है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के साथ ही दाम गिरने लगते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार भी दामों को नियंत्रित रखने के लिए तरह तरह की कोशिशें करती है। इसके अलावा लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के अनुसार पिछले हफ्ते बकरीद के चलते भी आलू, प्याज और टमाटर समेत कई सब्जियों की कीमत तेजी से बढ़ी। हालांकि सरकार फूड एक्सपोर्ट पर रोक और इंपोर्ट पर टैरिफ कम करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा गेहूं के दाम ना बढ़े, इसकी जमाखोरी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने थोक व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी। इसके बावजूद जमीनी हकीकत नहीं बदल रही, यानी कुछ खास फायदा नहीं होता दिख रहा। अब स्थिति में सुधार तभी देखने को मिलेगा जब मानसून की झमाझम बारिश से देश सराबोर हो जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।